बीसीसीआई ने भारत सरकार से पाकिस्तान टीम को आमंत्रित करने के लिए मांगी मंजूरी। जाने क्या भिड़ेंगी दोनों ही टीमें, क्या एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच सीरीज। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दरअसल दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच सीरीज को लेकर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। अगर हम बात करते इस टाइम पर मौजूदा हालत काफी खराब है इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों के आपसी संबंध काफी खराब चल रहे हैं। अगर हम बात करें मेंस की, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच आखिरी बार जो कि वर्ल्ड कप 2019 में खेला गया था, जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों टीम आमने सामने आई थी और उस मैच में टीम इंडिया को एक शानदार जीत हासिल हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर आने वाली सीरीज के बारे में, तो कड़वे संबंध के बावजूद भी बीसीसीआई पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को भारत में खिलाना चाह रहा है। बोर्ड ने पाकिस्तान टीम को भारत में आमंत्रित करने के लिए सरकार से एक बार फिर से मंजूरी मांगी है। ये मंजूरी आईसीसी की महिला क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए मांगी है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक भारत में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से नवंबर माह में 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के लिए कुछ दिन पूर्व खेल मंत्रालय से एक बार फिर मंजूरी देने की गुहार लगाई है। इससे पहले 29 मई को बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखकर इस दौरे की मंजूरी देने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान का मामला होने के चलते मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। सूत्र बताते हैं कि अब इस दौरे के लिए बोर्ड पर आईसीसी से भी दबाव बन रहा है। वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप में दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर टीमों की रैंकिंग बनेगी। इस रैंकिंग के आधार पर साल 2021 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम क्वालिफाई करेंगी। इस लिहाज से यह श्रृंखला इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से गुरुवार को दिए गए बयान, रात में गोली और दिन में क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते हैं। इस बयान के बाद ये लगभग तय है कि सरकार पाकिस्तान टीम को इस दौरे के लिए मंजूरी देना नहीं चाह रहा है। ऐसे में ये श्रृंखला रद्द होगी तो भारतीय क्रिकेट टीम को काफी ज्यादा नुकसान होगा, भारतीय टीम के अंक काटे जाएंगे, जिसका खामियाजा उसे विश्व कप की रैंकिंग में भुगतना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने आईसीसी से मांग किया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो ये 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी वीमेंस का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए, बीसीसीआई ने इस सीरीज को एक न्यूट्रल वेन्यू पर भी कराए जाने की मांग की है। तो गाइस, अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वीमेंस का 3 ओडीआई मैचों की सीरीज कहां खेली जाती है, क्या इंडिया में होगी या फिर न्यूट्रल वेन्यू में, क्या यह सीरीज रद्द कर दिया जाता है या फिर नहीं। अगर रद्द होती है यह सीरीज तो काफी ज्यादा नुकसान होगा, खासतौर पर टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अंक कट जाएंगे। ऐसे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट लगातार पाने के लिए।